Hello everyone, welcome to class 8. As we have started the chapter 14 of geography, natural resources, में जो हम बात कर रहे थे minerals और power resources की. तो let us revise once again what are minerals. Minerals are inorganic chemical compounds or elements that occur naturally. इसका मतलब minerals जो inorganic chemical compounds होते हैं और नेचर से हमें मिलते हैं. ऑल्सो दे आर द मेन सब्सटेंसेस दैट मेड अप रॉक्स. और ये किस में मिक्स होते हैं? रॉक्स में मिक्स होते हैं, राइट. तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स को अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो है फेरस और दूसरा नॉन फेरस. तो लेट अस स्टार्ट विद मेटालिक मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स विच कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, इसका मतलब जिसमें मेटल रॉ फॉर्म में पाया जाता है. अब मेटल क्या होता है? मेटल एक धातु होती है ना. तो मेटल एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं, और जिसमें भी मेटल पाया जाता है उसे मेटालिक कहा जाता है, और जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है उसे नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है. तो मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं. और जो नॉन मेटालिक होते हैं दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब कैसे पहचानोगे कि ये मेटालिक है ये नॉन मेटालिक है? मेटालिक की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं तो वो लस्टर या हम कह सकते हैं शाइनी होते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर एंड मैनी अदर्स. लेट अस सी फेरस मिनरल्स. फेरस के अगर शुरू के दो लेटर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? Fe. Fe का मतलब ये फॉर्मूला है आयरन का. इट मीन्स द मिनरल्स विच इंक्लूड आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स. फॉर एग्जांपल आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट्स. तो नॉन फेरस इसका मतलब जिसमें आयरन इंक्लूड नहीं होता है, नॉन आयरन. तो द मेटल्स The minerals which do not include iron are called non-ferrous minerals. For example, gold, silver, copper, lead, etc. Let us see the another category, that is non-metallic minerals. Minerals which do not contain metals. For example, limestone, mica, gypsum. अब दूसरी category एक और है अगर हम देखें, energy minerals. तो फ्यूल में कोल और पेट्रोलियम को भी हमने नॉन मेटालिक मिनरल्स में ही कैटेगरी में इंक्लूड किया है. तो मिनरल्स को निकालने के लिए यानी एक्सट्रैक्ट करने के लिए देर आर सेवरल मेथड्स. तो लेट अस सी दोज मेथड्स. नंबर वन, सरफेस माइनिंग. तो सरफेस माइनिंग को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ एक्चुअली माइनिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the earth's surface is called mining. It means किसी चीज़ को dig करके निकालना जो process है mineral को rock से निकालने का, क्योंकि rocks के अंदर ही minerals mix होते हैं. तो minerals buried हैं यानी दबे हुए होते हैं, तो उनको निकालना earth surface के अंदर से उसे mining कहा जाता है. अब let us see the methods of mining. Number one, surface mining, जिसे open cast mining method भी कहते हैं. This is the cheapest and easiest way of mining minerals that occur close to the surface or exposed on the surface. In this method, the top layer of rock and soil is stripped. इस method के through हम क्या कर रहे हैं कि जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते, यानी शैलो डेप्थ में होते हैं, यानी कम गहराई में होते हैं. तो इनको निकाला कैसे जाता है? सरफेस को रिमूव करके, यानी लेयर्स को रिमूव करके, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो. नेक्स्ट मेथड है अंडरग्राउंड माइनिंग. अच्छा, सरफेस माइनिंग को स्ट्रिप माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग के नाम से भी जानते हैं. अंडरग्राउंड माइनिंग, दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द मिनरल्स डिपॉजिट्स आर फार बिलो द सरफेस एंड इफ़ और इफ़ अ थिक लेयर ऑफ रॉक कवर्स देम. जब
मिनरल्स बहुत दूर होते हैं अर्थ सरफेस से, बहुत फार होते हैं, तो उसके लिए हम अंडरग्राउंड माइनिंग का यूज़ करते हैं। बट वहाँ पर पहुँचा कैसे जाता है, वहाँ पर हम वर्टिकल शाफ्ट या हॉरिजॉन्टल टनल्स का को डिक करते हैं ग्राउंड में, संग करते हैं, और उसके थ्रू हम उस जगह तक पहुँच कर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। इसे शाफ्ट टनल माइनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड इवेपोरेशन। ये मेथड्स का यूज़ हम बेसिकली लिक्विड और गैसीय स्टेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, लाइक पेट्रोलियम, सल्फर एंड सॉल्ट। लास्ट मेथड है हमारा एलुवियल माइनिंग। एलुवियल माइनिंग जो होती है, ये तो सबसे पुराना मेथड है। एलुवियल माइनिंग अगर हम देखते हैं, इट इज़ फाउंड इन रिवर, लेक्स एंड अलोंग कोस्ट लाइन्स। इट इज़ एन एंशियंट टेक्नोलॉजी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग इसका यूज़ करते हैं। इसको प्लेसर माइनिंग भी कहा जाता है या पैनिंग भी माइनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, यूजिंग वाटर टू वॉश आउट द लाइटर वेस्ट, लीविंग बिहाइंड द हैवियर मिनरल। पीछे हैवियर मिनरल ले जाते हैं, बार बार पानी का यूज़ करते हुए हम मिनरल्स को पीछे रोकने की कोशिश करते हैं। एंड बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या करने के लिए, गोल्ड, टिन, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड एट्सेट्रा।